कुछ एक मॉडल निकालना पड़ेगा इसमें मॉडल तो हमको निकालना ज़रूर पड़ेगा और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर भाजी कि ऐसे खिलाड़ी ऐसे मार्की खिलाड़ी जो अभी तक आई की शान रहे हैं उनका इस आई पी में क्या होगा मैं बात कर रहा हूँ सुरेश रायना दिनेश कार्तिक अम्बाटी राइडू केदार यादव जो हैजबी हैं फिलहाल रॉबिन उथप्पा ऑक्शन में आप अपना कोर ढूंढते हो लेकिन ज़रूरत है ये आई भी जीतने का क्या आपको लगता है कि इन जिन खिलाड़ियों के मैंने आपका अभी नाम लिया है उनके टैंक में इतना गैस है कि फ्रेंचाइजी उनको खरीद सकती है और कम से कम शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए उनको यूज़ करके आपको लगता है कि इनके लिए बिडिंग हो सकती है ज़्यादा या फिर अनसोल्ड जाएंगे मुझे नहीं लगता कि इनके लिए बिडिंग बहुत ज़्यादा जा सकती है लेकिन अगर कोई फ्रेंचाइज सोचता है कि यार ये लड़का अगर मेरे पास आ जाए मेरी टीम का बैलेंस बहुत बढ़िया बन सकता है तो शायद एक दो प्लेयर का जा सकता है लेकिन हाँ एक साल के लिए अगर आपको देना है तो ऐसा नहीं कि उनका इम्पैक्ट नहीं है जैसे आपने दिनेश कार्तिक बोला कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है कई टीमों को वो सूट करता है कई टीमों को वो सूट नहीं करता सुरेश रहना ऐसा प्लेयर है कि अगर बाकी टीम ठीक है और बीच में ऐसा एक प्लेयर आ जाए तो उसका पूरा रुख बदल जाएगा तो मुझे ये नहीं पता कि जो उनके ओनर्स हैं उनका माइंडसेट क्या चल रहा है कि हमने ये ये ले लिया प्लेयर अब एक सीनियर मेच्योर क्रिकेटर आपको इस क्रिकेट में भी मेचोरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेचोरिटी uh, का कहने का मतलब कि लास्ट अगर मैच को करीब लेके जाना पास लेके जाना दूसरी टीम के फिर uh, आप अटैक ज़्यादा कर सके क्या वो उनके पास से इतना मादा है जितने भी आपने नाम लिए हैं ये बहुत कम प्लेयर ऐसे रह गए हैं जो पहली बॉल से ही चार छः मारना शुरू कर दें क्योंकि एक हर एक खिलाड़ी का एक समय होता है चाहे वो धोनी की बात करो आप बोलो कि उसको छः गेंदे हैं और बीस रन करने हैं अभी थोड़ा सा है लेकिन इनको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए दस गेंदे खेलने का बारह गेंदे खेलने का फिर ये पुरानी गेम खेल सकते हैं उसके लिए क्या आप इतना कुशन रख सकते हैं